ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब पेश है हमारा खास कार्यक्रम मंगलवार के कलाकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं पत्रिका टीवी। पत्रिका टीवी के इस प्रोग्राम में आज हम आपको एक युवा सिंगर से, युवा उभरती हुई सिंगर से मुलाकात करवाने जा रहे हैं। ये हमारे साथ है अदीला। अदीला ने हाल ही में जयपुर आइडल सीजन 2 में भी पार्टिसिपेट किया और सातवां स्थान प्राप्त किया था। खास मुलाकात अदीला से। अदीला, बहुत बहुत स्वागत है आपका पत्रिका में। So, म्यूजिक का मुझे काफी शौक रहा है बचपन से ही। जब भी सिंगिंग कॉम्पिटिशन होते थे कॉलेज में, स्कूल में, तो मैं पार्टिसिपेट करती थी। लेकिन बस ये था कि टॉप में छोटी सी जगह है, वहाँ कोई अकेडमी वगैरह नहीं है कि जहाँ पे आप सिंगिंग की ट्रेनिंग ले सके या कुछ ऐसा, तो मैं सीख नहीं पाई। लेकिन अब जब सब मुझसे बोलते हैं कि आज सिंगिंग की आपको आगे ट्राई करना चाहिए, तो उसके लिए मुझे सीखना भी बहुत ज्यादा जरूरत थी सीखने की। तो मैं अब मैं सीखना स्टार्ट किया है। मैं 2-3 मंथ हो चुके हैं सीखते, मैं आगे भी सीखूंगी। और जयपुर आइडल सीजन 2 में मेरा टॉप 56 से मेरा 15 में हुआ, फिर 15 से टॉप 7 में हुआ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और सीख लूंगी, तो मुझे खुद पे यकीन है कि मैं और आगे तक जा। कितने साल की आप थी जब आपने गाना शुरू किया? जी मैं थी, मैंने 15 ईयर्स से गाना स्टार्ट कर लिया। मतलब ऐसे नहीं कि हाँ प्रोफेशनल की तरह नहीं, मतलब ऐसे गा देती थी कॉम्पिटिशन में, कॉलेज में होते थे, हमारे कल्चर वीक होते थे उसमें मैं पार्टिसिपेट करती थी। कॉलेज में भी मुझे 2 इयर्स तक बेस्ट सिंगर अवार्ड मिले। और लास्ट ईयर जी राजस्थान टैलेंट हंट शो था, तो उसमें जो टॉक में, टॉक डिस्ट्रिक्ट में ऑडिशन हुए थे, उसमें भी मेरा टॉप 10 में सिलेक्शन हो गया था। पहला गाना याद है कौन सा गाया था, स्टेज के ऊपर जो गाया था? जी हाँ, मेरा फर्स्ट जो परफॉर्मेंस है कॉलेज में, वो मेरा लता जी का गाया हुआ सॉन्ग है, नाम नाम घूम जाएगा चेहरा ही बदल जाएगा। तो हम चाहेंगे दर्शकों को वही गाना एक बार दोबारा सुना दे। नाम घूम जाएगा चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ पहचान है गर याद रही। बहुत ही प्यारी, बहुत खूबसूरत आपकी आवाज है और चाहेंगे कि दर्शकों के सामने ऐसी और आनी चाहिए आगे आए। तो आपने अपने पेरेंट्स को बताया कि आपको सिंगिंग में ही करियर बनाना है, ऐसा तो सोचा आपने? जी हाँ, मेरा पहले तो ये था कि मैं स्टडीज में, अभी तक भी मैंने ज्यादा सिंगिंग से ज्यादा स्टडी को टाइम दिया है अपनी। लेकिन अब जब मैं इस फील्ड में आ चुकी हूँ, तो मेरा वैसे ऐसा नहीं है कि मैं स्टडीज में पीछे हूँ, दोनों में पेरेंट्स बना के चलती हूँ। लेकिन अब मुझे सिंगिंग का शौक बहुत ज्यादा बढ़ गया है और अब मैं इसी में आगे बढ़ना चाहती हूँ। आपके पेरेंट्स का रिएक्शन क्या था जब आपने उनको बताया कि सिंगिंग में करियर बनाना है? जी स्टार्टिंग में तो आपको पता ही थोड़ा बहुत होता है। मम्मी का तो मेरा, मेरी मम्मी का तो फुल सपोर्ट था, पापा का भी है, लेकिन अब जो मैं इस लेवल पे पहुंच चुकी हूँ तो मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट है और उन्हीं की वजह से मैं आगे तक पहुंच पाई हूँ। प्रोफेशनली आप सिंगिंग आपने कब से स्टार्ट किया? वो सोचना जी बस वो इसी ईयर से मैंने बताया आपको कि मैंने सीखना स्टार्ट किया है। ऑल इंडिया रेडियो में उस्ताद फरीद सिंहा साहब ही, जिनके बेटे हैं अकबर हुसैन सचिन, तो उनसे ही मैं संगीत की तालीम हासिल कर ली। क्योंकि म्यूजिक युग की जब बात आती है तो रियाज को भी टाइम देना पड़ता है, कितना टाइम आप देते हैं रियाज का? जी हाँ, रियाज को मैं वैसे तो सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, 5-6 बजे मैं तानपुरा ऐप है मोबाइल में वो ऑन करती हूँ और उसके बाद मैं स्केल वगैरह सेट करके और करती हूँ, थोड़ा बहुत रियाज करती हूँ। अभी कॉम्पिटिशन के लिए मैं सॉन्ग जो तैयार की इस पे रियाज किया है बहुत ज्यादा। अभी रेना बीती जाए परफॉर्म किया था मैंने जयपुर आइडल सीजन 2 के फिनाले में, और सेकंड जो सॉन्ग था वो जजेस की चॉइस का था रेना में रेना, तो उस पर मेरा 1-2 महीने से चल रहा था कि इसी पे रियाज चल रहा था।
आगे भी और मेहनत करना चाहती हूँ। जो आपने जैसा बताया थे शो में आपने पार्टिसिपेट किया, जयपुर आइडल में इससे पहले भी आपने पार्ट पर से, इसके बारे इसकी जानकारी आपको किस तरह से मिली, आपने कभी सोचा कि मुझे इस तरह के शो में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए? जी हाँ, वैसे आपको पता है ये ऐसे जो इवेंट्स वगैरह होते हैं, रियलिटी शो होते हैं, इनके फेसबुक पे पेजेस वगैरह होते हैं कि हम उन्हें लाइक करते हैं, हमें इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, अपडेट्स मिलते रहते हैं लेटेस्ट, तो उसी के थ्रू मुझे किसी मतलब ऐसे ही पता चला था कि इसके ऑडिशन स्टार्ट हो रहे हैं, तो फिर मैंने सोचा कि करते हैं, चलो उसमें ट्राई करते हैं। फिर मेरी उम्मीद नहीं थी बिल्कुल कि मेरा जैसे 800 पार्टिसिपेंट थे 5 सिटीज के राजस्थान से, तो उसमें मेरा 56 कंटेस्टेंट सिलेक्ट हुए थे, उसमें मेरा नाम आ गया था। फिर सेमीफाइनल राउंड हुआ तो 56 से 15 सेलेक्ट करने थे जजेस को, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। 15 से आपको पता ही कल ग्रैंड फिनाले में टॉप 7 तक पहुंची मैच, अब आप लोग भी दोबारा रेट हो रहे थे आगे तक जाएंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है कितना इस तरह जो सिंगिंग के कॉम्पिटिशन वगैरह होते हैं, कितना आपको लगता है कोई प्लेटफॉर्म आपको मिल पाता है, कुछ फायदा करते हैं आप जैसे टैलेंट को, क्या कोई फायदा नहीं मिलता? नहीं होता है ऐसा, कि एक तो सबसे बड़ी बात है एक्सपीरियंस होता है हमें, जैसे अब मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया, मुझे बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल वो हो गई कि मैं अपसेट हो गई बहुत ज्यादा कि मेरा रैंक भी नहीं आई इसमें, ऐसा कुछ नहीं। इससे मुझे पता चल रहा है कि मुझे आगे क्या मेहनत करनी है क्लासिकल म्यूजिक को लेके, तो फायदा ही है इससे एक तरह से। तो आपने जयपुर आइडल का जो आपका था उसके आपने कौन सा गाना वहां गाया था? जयपुर आइडल सीजन 2 में मैंने उगाया था रीना दीदी का, ये भी लता जी का ही गाना, तो लता जी का ही वाला गाना भी एक बार दर्शन की आवाज से सुना। जी हाँ, मेरी प्रॉब्लम होती थी, मैंने जब भी सीखने का सोचा तो आपको बताइए टॉप में कोई एकेडमी वगैरह नहीं है, आपको टैलेंट तो बहुत देखने को मिलेगा टॉप में, पटियाला कराने के पंजाब कराने के हैं वहाँ पे लोग, जो कि आपको पता होगा सारे वहाँ के फिनाले के वो मतलब फाइनलिस्ट थे क्लासिकल सिंगर थे मोहम्मद अमान खान, हाँ
आपको पता होगा, तो वो टॉप से ही थे वो भी, तो उन्हीं के घराने से हैं जो मुझे अब सिखा रहे हैं, उन्हीं के रिलेटिव हैं, तो वो लोग, उन लोगों का घराना काफी मशहूर है, तो उन्हीं से मेरा रब्ता हुआ है और मुझे आगे गाइडेंस देंगे। अच्छा, कोई भी इंटरेस्ट हो आपको करी चाहिए किसी भी फील्ड में डर बनाना हो, लेकिन आप पढ़ाई को कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं? पढ़ाई सबसे, आपको पता ही एजुकेशन को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, कि चाहे आपको सिंगिंग कर रहे हैं आप, लेकिन आपको स्टडी भी करनी चाहिए, एजुकेशन में भी, दोनों पे बैलेंस बना के चलना चाहिए, तो मेरा दोनों पे ही फोकस। अदीला, बहुत बहुत शुक्रिया आपको पत्रिका स्टूडियो आने के लिए। सो ये टाइम देने की, तो ये थी हमारे साथ युवा उभरती टैलेंटेड सिंगर अदीला, जिनका मानना है कि वो करियर आप चाहे किसी भी फील्ड में बनाए, लेकिन पढ़ाई पर फोकस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पत्रिका टीवी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार आपको अपडेट कराएंगे टेक ऑटो में हुई नई लॉन्चिंग और इनोवेशन के बारे में, साथ ही अपडेट कराएंगे टीवी बॉलीवुड में हुई ताजा हलचल के बारे में।